नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां कैलारश में पुरानी सब्जी मंडी रोड से बैग में भरे 4 लाख रुपए की दिन दहाड़े चोरी हो गई है। बैग में रखे 4 लाख रुपए दिन दहाड़े उड़ा ले गया चोर। चोरी की वारदात हुई CCTV कैमरे में कैद। फुटेज में नाबालिग लड़का बाइक से बैग निकालकर भागता नजर आया। गल्ला व्यवसायी अमित गोयल की बाइक से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुआ चोर। कैलारस के व्यापारियों में भारी आक्रोश। घटना कैलारस पुलिस थाना से महज 500 मीटर दूर स्थित पुरानी सब्जी मंडी की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मैं सेंट्रल बैंक में कैश निकालने गया था। मैं सेंट्रल बैंक 3 बजे पहुंच गया। 3 बजे 10-5 मिनट पर बैठती हूँ। इतने में मेरा चेक पास किया हुआ रखा था। मैंने मीना जी से बोला मुझे पैसे दे दूँ। दोनों ने मुझे 500 के नोट 4 लाख रुपए दे दिए। मेरा ओके चाय का बैग था, उसमें मैंने रखे। मैं निकल आया मोटरसाइकिल पर बैग लेके। वहाँ से उधर आते हुए मैं पुरानी सब्जी मंडी होते हुए आया। मैंने पुरानी सब्जी मंडी होते हुए निकलता हूँ कि पाड़े और चौराहे पे लगता है जाम। उस चक्कर में आया। इतने में खाटू श्याम की पद यात्रा निकल रही थी, उसके बावजूद वहाँ पे मैंने हाथ जोड़े थे और प्रसाद लिया। इतने मेरा मोटरसाइकिल रोक के उस पैसे बैग गायब कर दिया। तो बैग जब चोरी हुआ, तुमने आस पड़ोस में भाग के देखा नहीं कि कौन है? देखा था, कोई नहीं दिखा। ये कहाँ की घटना है? कंप्यूटर के सामने की, मंदिर के पास। प्राइम मिनिस्टर 4 के लिए कैलारस से जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट।